उत्तर प्रदेश में होने वाले 13 विधान परिषद सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। सरकार में बनाए गए मंत्रियों का विधान परिषद में जाना तय है। 7 प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लग चुकी है, लेकिन 2 पर अभी मंथन जारी है। इन दो नामों में अपर्णा यादव का नाम भी चल रहा है। बीजेपी ने 7 के नाम किए तय, जिसमें इन नामों पर चल रहे मंथन। दरअसल यूपी विधान परिषद की 13 सीटें इस 6 जुलाई को खाली हो रही हैं। इन सीटों के लिए 9 जून नामांकन की अंतिम तारीख है, तो 20 जून को मतदान होना है। पार्टी 9 सीटों पर एमएलसी के प्रत्याशी उतारेगी, जिसे आसानी से जीत सकती है। इसमें 7 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। ये सभी योगी सरकार के मंत्री हैं, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, जेपीएस राठौर, केशव प्रसाद मौर्य, नरेंद्र कश्यप, दानिश आजाद और जसवंत सैनी का नाम शामिल है। वहीं 2 नामों में अपर्णा यादव, अश्विनी त्यागी, अमरपाल मौर्य, मोहित बेनीवाल, संगीत सोम और सुरेश राणा भी मंथन कर चुके हैं और सुरेश राणा पर मंथन किया गया है। 2 सीटों के लिए पार्टी जल्दी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। बता दें कि बीजेपी की नज़र 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव पर भी है। इसी के मद्देनज़र जातिगत और सियासी समीकरणों पर भी पार्टी साधने की कवायद में लगी है। पार्टी इसको लेकर मंथन कर चुकी है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर ही कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें नामों पर अंतिम मोहर लग चुकी है। सिर्फ औपचारिकता ऐलान बाकी है। सरकार में भूपेंद्र चौधरी जैसे मंत्रियों को विधान परिषद में नामांकन की सूचना पहले ही की जा चुकी है। अगले 24 घंटे में बचे हुए प्रत्याशियों के नाम पर भी फाइनल मुहर लग जाएगी, क्योंकि सभी को जाति और क्षेत्र के आधार पर मौका दिया जा रहा है, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।